हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ये स्लीव बनाकर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये मैंने स्लीव बनाई थी। ये फ्रिल वाली है और बीच में मैंने इसके बो लगा रखा है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्लीव की जो है यहाँ से आर्म होल चेक करेंगे। तो यहाँ से मैं लूँगी 7 इंच। आपका जितना भी आर्म होल हो उतना ही रखिए। यहाँ से हमें 3 इंच डाउन करना है और जो स्लीव की लेंथ रहेगी वो आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसी भी बनानी हो बना सकते हैं। यहाँ से हमें स्लीव का बॉटम लेना है, तो यहाँ से मैं बॉटम लूँगी और उसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। ये लाइन हमें इस तरीके से मिला लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने शेप दे दिया इसको। थोड़ा सा अच्छे से शेप दे देंगे। ये मैंने शेप दे दिया। अब हमें जो आर्म होल की जो यहाँ से हमें शेप देना है वो मैं यहाँ से 3 इंच रखूँगी और इसके बाद हमें इसमें शेप देना है। ये मेरी अंदर की गहराई का मैं शेप दे रही हूँ और ये जो बाहर की गहराई का शेप होगा वो कुछ इस तरीके से ही होगा। ये मैं जब ये पूरी मेरी स्लीव कंप्लीट हो जाएगी तो बाद में इसमें फिनिशिंग करूँगी। तो देखिए इस तरीके से आप नॉर्मल जैसे स्लीव की कटिंग करते हैं सेम ऐसे ही हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। आपको स्लीव एक रेडी कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हो गया। यहाँ से मैं बराबर से कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ नीचे से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी मैंने कट करके अलग कर दिया है। अगर आप लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो लाइनिंग भी सेम ऐसे ही कट कर लीजिए। देखिए अंदर के जो गहराई का शेप होता है वो मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ से इसका मिड ले लेंगे। अब इसमें स्लीव को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और हमें जो डिज़ाइन चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए डिज़ाइन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे साइड से आप 1/2 इंच छोड़ दीजिए या फिर आप 1 इंच भी छोड़ सकते हैं। 1 इंच ज़्यादा हो जाएगा, आप 1/2 इंच रखिए। और इसके बाद आपको इसमें डिज़ाइन बनानी है। तो मैं आपको इसमें रफली समझा रही हूँ। ये मैं पेस्टिंग के ऊपर रख के इसको कट करूँगी। तो मैं इसमें देखिए इस तरीके से आपको मार्क लगा लेना है और इसमें हमें इस तरीके से शेप देना है। तो आप शेप आप अपने हिसाब से कैसा भी बना सकते हैं, हार्ड शेप दे सकते हैं, होल दे सकते हैं, जैसा भी बनाना चाहें वैसा इसमें शेप रख लीजिए। इसके बाद आप स्लीव को इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर लीजिए और टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी हमें सेम ऐसे ही निशान मिल जाएगा। इस निशान को आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आएगी। अब हमें इसे पेस्टिंग पे रख के करना है। तो पेस्टिंग देखिए मैंने ले रखी है। पेस्टिंग को इस तरीके से मैंने बीच में से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आपको जो फोल्ड रखनी है वो आपको 2 इंच के लगभग रखनी है। देखिए इस तरीके से पेस्टिंग को बीच में से फोल्ड कर लिया मैंने। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैंने 2 इंच रखा है और जो यहाँ से चेक कर लेंगे 2-2 इंच पर रख के हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद जो हमने लेंथ रखनी है वो मैं 4 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ से भी 2 इंच पर रखा और हमें 1/2 इंच साइड में जगह छोड़ते हुए मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद नीचे साइड से भी हमें 1/2 इंच लेना है और इसमें हमें शेप देना है। तो देखिए जैसे हम नेक का शेप देते हैं वैसा ही देना है। हाफ थोड़ा सा हम साइड में जगह छोड़ते जाएंगे और इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेना है। शेप जो रहेगा वो आप अपने हिसाब से कैसा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं और 1/2 इंच का आपको मार्जिन देना है इस शेप के ऊपर। और इसको मैं पिनअप कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इस पर हल्का सा आयरन करेंगे तो जो आपका पेस्टिंग है थोड़ा सा चिपक जाएगा और ये खिसकेगा नहीं, या फिर आप इस तरीके से नॉर्मल पिनअप कर लीजिए। अब देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली। यहाँ अंदर से जो हमने शेप दिया था उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ से हम कट कर लेंगे इसको, ये देख सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगाकर भी कट कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको इसका शेप दिखाती हूँ। देखिए कुछ शेप कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमें इसे अदर फैब्रिक पर लेके पेस्ट कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक ले रखा है। फैब्रिक पे भी 1/2 इंच का मैंने मार्जिन दे रखा है। देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हमें कट कर लेना है और इस फैब्रिक को हम पूरा कवर कर लेंगे। तो मैं आपको इसमें कवर करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें ये पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट इसमें सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है। इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारी स्लीव है इसको हम सीधे साइड पर रखेंगे। सीधे साइड पर रखने के बाद ये जो पेस्टिंग वाला साइड था उसे हमें ऊपर रखना है। जैसे हम नेक बनाते हैं सेम ऐसे ही रखना है, सीधे साइड पर रखना है आपको। और इसको आप चाहे तो पिनअप कर लीजिए या फिर आप इसके जो मिड में है आप सिलाई लगा लीजिए कच्ची सिलाई,
बाद में आप उस सिलाई को खोल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से मैंने इसे पिनअप कर लिया और साइड साइड पे भी मैं इसे पिनअप कर लूँगी ताकि ये खिसके नहीं। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल जो हमारी पेस्टिंग है उसके किनारे से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना। बहुत ईजी स्लीव है ये, आप जब बनाओगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। इस स्लीव को आप ब्लाउज़ में, कुर्तीज़ में, बच्चों के फ्रॉक में बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। देखिए यहाँ तक मैंने इसमें पूरे पे सिलाई लगा दी। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, बैक साइड से भी देख सकते हैं आप, इस तरीके से शेप आएगा इसका। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। स्लीव को बीच में से फोल्ड कर लिया मैंने और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसको हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया। कट होने के बाद आप देख सकते हैं दोनों साइड पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड वगैरह कटना नहीं चाहिए। अब हम इसको अंदर साइड को मोड़ लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आप इसके ऊपर नॉर्मल आयरन कर लीजिए। आयरन करने से इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो पहले अच्छे से आप इस तरीके से मोड़ लीजिए, फिर उसके बाद आप इस पर आयरन कर लीजिए। तो देखिए मैंने इस पर आयरन कर लिया। आयरन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब देखिए मेरे पास ये इसी फैब्रिक का बचा हुआ ये जो लेस होती है वो है। ये लेस को देखिए हमें इसमें फ्रिल बनानी है। तो फ्रिल के लिए देखिए हमने स्लीव को क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हमें पहले कट करके अलग कर देंगे। मैंने इसमें लाइनिंग नहीं लगा रखी है इसलिए इस तरीके से हो रहा है ये। अब देखिए जो हमें डिज़ाइन बनानी है, फ्रिल की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऊपर साइड पे रखी है मैंने। और देखिए हमें इसमें छोटी छोटी रख के इसके अंदर फ्रिल बनाने लिए। देखिए इस तरीके से आप हाथ से भी नॉर्मल कर सकते हैं या फिर आप जो बॉबिन पिन होती है आप उससे भी छोटी छोटी करके इसमें देखिए इस तरीके से रख के आप प्लीट्स बना सकते हैं। आप चाहें तो गैदरिंग भी कर सकते हैं। गैदरिंग में ज़्यादा लुक इसमें स्लीव्स वगैरह में ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आता, तो आप इस तरीके से प्लीट्स इसमें बनाओगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। तो मैं ये पूरे पे आपको सिलाई लगाकर दिखा देती हूँ। देखिए कितनी आसानी से इसमें सिलाई हो रही है, आप देख सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो पहले प्लीट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आप स्लीव के साथ रख के इसे अटैच कर सकते हैं। आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे पे प्लीट्स बनाकर रेडी कर लिया है। ये देखिए मैंने इस तरीके से हो गई है। अब हमें इसे स्लीव सीधा करना है। देखिए हमें स्लीव को इस तरीके से रख के सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर अगर आपको लेस लगानी हो या फिर आपको इस तरीके से ही रखना हो तो आप रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस लेस को यहाँ साइड में रखना है और इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। ये पूरी लेस को हम अटैच कर लेंगे स्लीव के साथ। ये देखिए इस तरीके से रखते जाएंगे और इसके ऊपर हमें ये अटैच कर लेनी है। ये देखिए मैंने लेस को अटैच कर लिया है। लेस अटैच होने के बाद आप देख सकते हैं इस स्लीव का लुक बहुत अच्छा सा आएगा। अब हमें जो नीचे जो हमारा मिड में जो जगह थी वहाँ पे लगाने के लिए मैंने ये वो बनाना है, तो मैंने एक सर्कल कट करके रखा है 4x5 का। तो देखिए इस तरीके से आपको ये पूरे राउंड में इसमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने सिलाई लगा दी, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। यहाँ से हमें फैब्रिक को सीधा करना है। सीधा करने से पहले हमें इसमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं क्योंकि ये सर्कल है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए। कट लगाने के बाद आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से या फिर इस तरीके से आप बॉबिन पिन की हेल्प से आप इस तरीके से फैब्रिक को सीधा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने फैब्रिक को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर नॉर्मल आयरन कर लीजिए। तो मैं इसके ऊपर आयरन कर लूँगी, तो पहले मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद इसको मैंने आयरन कर लिया है। आयरन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमें इसमें छोटे छोटे ही गैदरिंग करनी है, तो निडल की हेल्प से आप कच्चा कर लीजिए इसके मिड में। देखिए इस तरीके से मैंने इसे कच्चा कर लिया। कच्चा करने के बाद अब हमें इसे थ्रेड को खींचेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हमें इसे 2 से 3 बारी रैप करना है। इसे देखिए मैंने नॉट लगा लिया। अब हम इसको यहाँ से नॉट लगा देंगे। अब इसके ऊपर मैं पर्ल लगाऊंगी। मेरे पास अभी ये वाइट वाला पर्ल है। अगर आप चाहें तो जैसा फैब्रिक है आपका उस तरीके से फैब्रिक से भी बना सकते हैं या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल बटन वगैरह लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पर्ल को अटैच कर लिया है। इसके हम यहाँ पीछे साइड पर ले जाके नॉट लगा देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड हमें कट कर लेना है। अब हमारे स्लीव
स्लीव के साथ इसे रखेंगे इस तरीके से। इसके मिड में रखना है आपको, इसको ध्यान इसका ध्यान रखना है आपको, और इसको हमें अटैच करना है। अटैच करने से पहले हमें यहाँ निशान लगा लेंगे ताकि जो हमारा ये बो है वो खिसके नहीं। मैं इसे पहले पिनअप कर लूँगी, पिनअप करने के बाद इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसे पिनअप करके रखा हुआ है, अब हमें इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो बिल्कुल किनारे से रख के इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं। देखिए मैं बिल्कुल टॉप सिम लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे से इसमें सिलाई लगा रही हूँ मैं। आप भी इसी तरीके से किनारे से सिलाई लगाएंगे तो सिलाई अच्छी भी दिखेगी और अच्छा सा लुक आएगा इसका। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे सिलाई कर लगा कर रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लिया है। इस स्लीव की जो फिनिशिंग है वो मैं लास्ट में कर लूँगी। आप इस तरीके से नॉर्मल स्लीव की कटिंग करने के बाद आप ऐसी स्लीव बना सकते हैं बो वाली फ्रिल के साथ। अब आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लुक आ रहा है इसका। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।